आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप कैसे आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट को वेरीफाई करके उसमें ब्लू टिक लगा सकते हैं। तो इसके पहले आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम के अकाउंट ऐसे देखे होंगे कि उनके नाम के बाजू में एक ब्लू टिक लगा रहता है। उसका मतलब ये है कि उनका जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का, वो वेरीफिकेशन किया हुआ है। उसके बाद जो है उनके अकाउंट के बाजू में एक ब्लू टिक लगाया जाता है, यानी कि वेरीफिकेशन कम्प्लीट होने के बाद जो है ये ब्लू टिक को लगाया जाता है। तो आप भी अगर आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट में ब्लू टिक लगाना चाहते हो, वेरीफिकेशन कराना चाहते हो आपके अकाउंट को, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरिफिकेशन करके ब्लू टिक लगाने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करने के बाद आप सबसे पहले आपके अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा। तो मेरा जो अकाउंट है ऑलरेडी लॉगिन है। तो उसके बाद आपको नीचे जो प्रोफाइल का लोगो दिख रहा है, लाइव रिएक्शन का लिंक के बाजू में जो प्रोफाइल का लोगो दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इंस्टाग्राम को जो भी नेम आपने रखा है उसके बाजू में जो थ्री स्पेस दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो सेटिंग का ऑप्शन है उस पर आपको जाना होगा। उस पर जाने के बाद आपको एड्स के नीचे अकाउंट के जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है, ओरिजिनल फोटोज के नीचे जो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको बता रहे हैं कि अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन, मतलब आप अगर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का वेरिफिकेशन करते हैं तो हमारे नेम के बाजू में एक चेक मार्क लगाया जाता है, टिक मार्क लगाया जाता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी ग्लोबल ब्रांड वाले को मतलब इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इससे ये कन्फर्म होता है कि ये हमारा ही आईडी है और ये कोई फेक आईडी नहीं है। तो इस तरह से जो है किसी भी बड़े बड़े अकाउंट को जो है उसको वेरिफिकेशन किया जाता है और ब्लू टिक लगाए जाते हैं। तो आज अगर हमारा जो इंस्टाग्राम के अकाउंट है उसको हम ब्लू टिक लगाने की कोशिश करेंगे और पहले सबसे पहले उनको जो है वेरिफिकेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो यूजर नेम है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपको सबसे पहले जो फर्स्ट नेम लिखना है, फुल नेम। चलिए सबसे पहले थोड़ा हम बैक करते हैं। रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको फुल नेम लिखना पड़ेगा। चलिए मैं अपना फुल नेम डाल देते हैं। उसका नीचे आपको नोन है, मतलब आपको क्या नाम से लोग जानते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। शॉर्ट नेम पर आपका फर्स्ट नेम डाल सकते हैं या फिर कोई नीक नेम रहेगा वो भी आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको नीचे कैटेगरी, सिलेक्ट ए कैटेगरी फॉर योर अकाउंट। तो किस कैटेगरी में जो है आपका अकाउंट ये आईडी है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जैसा पर्सनल है, पर्सनल का सा इधर कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, तो जो है हम आदर्श पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्लीज अटैच ए फोटो ऑफ योर आई डी, वी रिक्वायर ए गवर्नमेंट इशूड फोटो आई डी दैट शो योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। मतलब आपको कुछ भी एक आई डी अपडेट करना पड़ेगा जिसमें आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ शो होना चाहिए। तो चलिए मैं उसके लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो फोटो है ऑलरेडी लाइब्रेरी में है तो उधर से हम क्लिक कर लेंगे। तो चलिए ऑल फोटो पर क्लिक करने के बाद मेरा जो भी है, मैं फिलहाल पैन कार्ड का जो है अपलोड करूँगा, तो उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करने वाला, लेकिन उसके पहले आपको सबसे पहले मैं और बड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ कि देखेंगे कि इधर जो सबमिटिंग है रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन डज नॉट गारंटी दैट योर अकाउंट विल बी वेरीफाई। यानी कि जितना भी लोग हैं सब चाहते हैं कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरिफिकेशन करने के बाद ब्लू टिक लग जाए, लेकिन सभी के अकाउंट को जो है वेरिफिकेशन करना मुश्किल है इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा यूजर्स है। सभी का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट वेरिफिकेशन करना चाहिए तो बहुत ही लंबा मतलब ये हो जाएगा, लेकिन सभी का जो है अकाउंट को वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया जाता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, जो जिसका ज़्यादा जितना रीच है, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा फॉलोअर्स है, जिसका जितना मतलब एंगेजमेंट उसके प्रोफाइल में ज़्यादा, उस हिसाब से जो है उनके अकाउंट को जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद ब्लू टिक दिया जाता है। तो कंफर्म नहीं है कि हम भर रहे हैं मेरा अकाउंट के लिए हमें ब्लू टिक मिल जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे। हमको आप मैंने सिर्फ आपको प्रोसेस बताया कि कैसे आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट को, आपका अगर ज़्यादा रीच है, ज़्यादा एंगेजमेंट है आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट में, तो जो है आप आसानी से आपको शायद मिल जाएगा वेरिफिकेशन। तो चलिए मैं आपको ये बता दिया। उसके बाद आपको नीचे सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी हमने डाटा फिलअप किया है वो लोडिंग हो रहा है, और कुछ ही समय में जो है इधर आपको दिखा रहा है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, वी विल लेट यू नो वंस वी हैव रिव्यूड योर रिक्वेस्ट फॉर ए वेरीफाइड बैच।
मतलब आपको बता रहे हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट तो हमें मिल गया है, अभी हमारा जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करेंगे, उसका हम लोग डिसाइड करें कि हमारे अकाउंट के लिए वेरिफिकेशन बैज अवेलेबल है या नहीं। तो आप इस तरह से आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट को जो वेरिफिकेशन करके ब्लू टिक लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगा, और इस जानकारी से जुड़े हैं आपके कुछ सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आने वाले समय में इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।